हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। ये हम लोग पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और ये पहला चैप्टर है बायोलॉजी का, ट्वेल्थ बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। आज इसको कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में अपन लोग एक वीडियो था क्रैश कोर्स के रूप में, तो उसमें क्या क्या पढ़े थे। अभी तक तो हम लोग पढ़े हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा कर लिए हैं, और उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल और ऑस्ट्रा साइकिल तक अपन लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद अब आगे आज पढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, आगे अपन पढ़ रहे हैं। इससे पहले कि मेरे पिछले वीडियो में एक इम्पोर्टेंट सा पॉइंट छूट गया था, उसको आज अपन कंप्लीट करेगा, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन एक बहुत इम्पोर्टेंट सब पॉइंट छोड़ दिया था। ये पेज नंबर 4 आपको दिख रहा है, इसको देख लीजिएगा एक बार। आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, ये रहा एलिफेंट का लाइफ स्पैन है। ये सब लाइफ स्पैन है। ये एलिफेंट का लाइफ स्पैन होता है 60 to 90 ईयर्स। उसके बाद रोज़ का होता है 5 to 7 ईयर्स। उसके बाद ये डॉग्स का होता है 20 to 30 ईयर्स। आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, नहीं अगर लिखा हुआ साफ साफ नहीं दिख रहा है तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनिए, ओके, वरना कमेंट में बताइए। देखिए, ये बटरफ्लाई का है 1 to 2 वीक्स इसका लाइफ स्पैन है। उसके बाद ये क्रो का 15 ईयर्स, जो कि ऑलरेडी बुक में मेंशनड है। बनाना का है 25 ईयर्स। काउ का रहा 22-25 ईयर्स। उसके बाद पैरोट का 140 ईयर्स। क्रोकोडाइल का 60 ईयर्स। और ये हॉर्स का 62 ईयर्स। फ्रूट फ्लाई का 2 वीक्स, यहाँ पे वीक है 2 वीक्स, आपको दिख रहा है। उसके बाद ये रहा राइस प्लांट का 3 to 4 मंथ। और टॉर्टोइस का ऑलरेडी मेंशनड है, पढ़ लीजिए। और यहाँ पे बनियान ट्री का है 200 to 300 ईयर्स। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू जरूर आ सकता है, ओके। तो अपने आज का लेसन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में अपन लोग ये पढ़ चुका था मेंस्ट्रुअल साइकिल और ऑस्ट्रल साइकिल तक पढ़ चुके थे। ये ऑस्ट्रल साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको एक बार और रिकैप कर लेते हैं। द फीमेल ऑफ प्लासेंटल मैमल्स एग्जिबिट साइक्लिकल चेंजेस इन द एक्टिविटी ऑफ ओवरी एंड एसेसरी डक्ट्स एज वेल एज हार्मोन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज इन नॉन प्राइमेट। सच साइक्लिकल चेंजेज ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड ऑस्ट्रस साइकिल। ऑस्ट्रस साइकिल नॉन प्राइमेट में होता है। नॉन प्राइमेट किसको बोलते हैं? रेट हुआ, डियर हुआ, टाइगर हुआ, काउ हुआ, मतलब जितना भी है। और प्राइमेट बोलते हैं ये तीन ठो है, एप, मंकी और ह्यूमन, तीन को बोलते हैं प्राइमेट। तो ये ऑस्ट्रस साइकिल होता है नॉन प्राइमेट में, और प्राइमेट में होता है क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल। आप लोग अगर मेरे पिछले वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, उसमें ज़्यादा कुछ मेंशन है, ओके। आज का ये स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। आगे ये इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए। फर्स्ट पॉइंट क्या है? द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू द इलाबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो काफ़ी इलाबोरेट और कॉम्प्लेक्स होता है। दूसरा पॉइंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज करेक्टराइज बाई द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड एम्ब्रायोजेनेसिस। देखो दोस्तों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ही करेक्टराइज
करेक्टराइज्ड पॉइंट है। इस ये क्या है करेक्टराइज्ड पॉइंट, यह है कि फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मतलब जो गैमेट का फ्यूजन होता है ये होना ही होना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, मतलब निषेचन, और निषेचन के बाद जो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट ZYGOTE जाइगोट, और जाइगोट आगे डेवलप होता है, उसके बाद एम्ब्रायो बनाता है, एम्ब्रायोजेनेसिस है, यहाँ पर लिखा हुआ है एम्ब्रायोजेनेसिस। आपको बता दें दोस्तों, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो इज कॉल्ड एम्ब्रायोजेनेसिस। ओके, देखिए इसमें तीन ठो इवेंट्स होता है, पहला प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरा फर्टिलाइजेशन इवेंट, और तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मैच्योरिटी अटेंड करने के बाद जो सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है वो यह प्रोसेस शो करता है जो रिमार्केबल होता है। तो इसके बाद पढ़ते हैं अपन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, इसमें दो पार्ट है, गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर। अब गैमेटोजेनेसिस पढ़ते हैं, ये गैमेटोजेनेसिस क्या होता है आपको जेनेसिस यहाँ पर समझा है, ये जेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। देखिए द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द टू गैमेट्स, टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट आर हैप्लोइड, गैमेट हैप्लोइड होता है। आपको बता दें कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो डिप्लॉयड होता है, और वो गैमेट उसका होता है वो हैप्लोइड होता है। इन जनरल केसेस में ही होते हैं दोस्तों, गैमेट्स आर हैप्लोइड। उसके बाद देखिए यहाँ पे इन सम एल्गी द टू गैमेट्स आर सो सिमिलर इन अपेरेंस, मतलब जो मेल एंड फीमेल गैमेट है वो अपेरेंस में एकदम सिमिलर होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, जो अपेरेंस में एकदम सिमिलर होता है उसको बोलते हैं होमोगैमेट्स बोलते हैं इस, और इसको बोल सकते हैं आइसोगैमेट्स। एक बार और पढ़ लेते हैं, इन सम एल्गी द टू गैमेट्स आर सो सिमिलर, एकदम सिमिलर होता है इन अपीयरेंस में, सो दे कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज और कैटेगराइज्ड, दे आर हेंस कॉल्ड होमोगैमेट्स और आइसोगैमेट्स। कहने का मतलब है ये रहा मेल गैमेट, ये रहा फीमेल गैमेट। अगर आपको मैं बोल दूं कि इसको पहचानिए मेल और फीमेल गैमेट कौन कौन है, तो आप पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम प्रकार का है, जो गोला गोला टाइप का दिख रहा है। और यहीं पे आपको ऐसे अगर साइन दे दूं और ऐसे साइन दे दूं, तो आप क्लियरली समझ जाएंगे कि ये फीमेल गैमेट है और ये मेल गैमेट है। क्योंकि आपको बता दें कि मेल गैमेट का जो क्या बोलते हैं, मेल गैमेट्स का मेन साइन होता है वो ऐसे होता है और फीमेल गैमेट का ऐसे होता है। आपको बाद में आगे पढ़ाऊंगा, ये फीमेल गैमेट का साइन है, ये मेल गैमेट का साइन है। अगर मैं इसको गोला गोला टाइप का तोड़ दे दूँ, ये गोला और ये गोला, बोलूँगा इसमें पहचानिए मेल एंड फीमेल गैमेट कौन है, आपको नहीं पहचान पाएगा। तो इसी को बोलते हैं क्या, होमोगैमेट्स, हेंस दे आर कॉल्ड होमोगैमेट्स और आइसोगैमेटिक। ये जो होता है एल्गी में होता है, ये जो सिस्टम होता है ये एल्गी में होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मेल एंड फीमेल, इस साइन को याद रखिएगा, इससे कोई रिलेशन नहीं है इसका। एल्गी में क्या होता है कि जो गैमेट्स होता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स, वो एक ही प्रकार का होता है, इसलिए उसको पहचान पाना मुश्किल होता है कि वो मेल है फीमेल है, तो उसको बोलते हैं होमोगैमेट्स और आइसोगैमेट्स। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज इफ फर्स्ट गैमेट्स आर ऑफ टू मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट कॉल्ड हेटरोगैमेट।
अगर ऐसे ऐसे देखिए, ये रहा मेल और ये फीमेल, ये दोनों दोनों अलग अलग है, डिस्टिंग हो रहा है, ये मतलब समझ में आ रहा है कि ये मेल है, ये फीमेल है, ये मेल है, फीमेल है, समझ में आ रहा है आपको? तो इसको बोलते हैं हेट्रोगेमेट, मतलब जो दिखने में भिन्न भिन्न टाइप का, उसको हेट्रोगेमेट बोलते हैं। और दूसरा देखते हैं मेल गैमेट को कहते हैं एंथेरोजॉइड, मेल गैमेट को एंथेरोजॉइड बोलते हैं, और स्पर्म भी उसको बोल सकते हैं, जो इसका साइन यहाँ पर दिया हुआ है, मेल गैमेट का साइन है। और फीमेल गैमेट का साइन है ऐसे, और जिसको बोलते हैं एग और ओवम, ये है रिप्रोड्यूसिंग स्पेसिस के लिए ये है। उसके बाद आगे अपन लोग मोनोसियस और डायोसियस पढ़ेंगे, जो कि पिछले वीडियो में अपन उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया भी था, तो वहाँ पे चलते हैं। देखो यहाँ पे पढ़ लेते हैं, प्लांट में है बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन सेम प्लांट कॉल्ड बाइसेक्सुअल और मोनोसियस, जिसको एम बी से डिनोट करते हैं। एम बी मतलब मोनो, मोनोसियस, और बी से स्टार्टिंग होता है बाइसेक्सुअल, मतलब मोनोसियस को बोलते हैं बाइसेक्सुअल। बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है ये दोनों, ये होता है देखिए यहाँ पे डी ओ लिखा गया है डायोसियस और यूनिसेक्सुअल, और एम बी लिखा हुआ है मोनोसियस बाइसेक्सुअल। एक बार और पढ़ लेते हैं, प्लांट में है बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द सेम प्लांट कॉल्ड बाइसेक्सुअल और मोनोसियस, जिसका एग्जांपल है कुकुरबिट्स एंड कोकोनट्स। अगर इसको एक वर्ड में एक शॉर्टकट या मतलब रखने का तरीका बता रहे हैं, एमबीसी याद रखिएगा इसको, एमबीसी मोनोसियस बाइसेक्सुअल और कोकोनट एंड कुकुम्बर। और यूनिसेक्सुअल में देखिए, प्लांट में हैव बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन डिफरेंट प्लांट आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल और डायोसेक्सुअल। मतलब अगर सेम प्लांट में हो, अगर ये प्लांट हुआ, इसमें मेल मेल भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और फीमेल भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, तो इसको बोलते हैं मोनोसियस, एम बी बोलते हैं इसको। और अगर ये प्लांट केवल मेल ही सिर्फ प्रोड्यूस करता है और ये फीमेल प्रोड्यूस करता है, ये प्लांट, लेकिन ये प्लांट वाला नहीं है सिस्टम, हाँ प्लांट भी वाला भी हो सकता है कि अगर ये मेल प्रोड्यूस करता है या फीमेल प्रोड्यूस करता है, तो इसको क्या बोलते हैं, डायोसियस, डायोसियस भी बोलते हैं इसको, डायोसियस बोलते हैं। डायोसियस में क्या है, प्लांट में है बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन डिफरेंट प्लांट्स, मतलब ये दो दो प्लांट में है, ये मेल के लिए ये फीमेल के लिए, आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल और डायोसियस। इसका एग्जाम्पल है पपाया, पपाया में कोई मेल होता है कोई फीमेल होता है, और डेड फ्लम, डेड फ्लम मैंने खजूर, खजूर आप लोग जानते हैं। तो इस यहाँ पे मोनोसियस और बायोसेक्स, मोनोसियस और डायोसियस यहाँ पर ख़त्म होता है। और आगे चलते हैं, इन फ्लावरिंग प्लांट, इन फ्लावरिंग प्लांट यूनिसेक्सुअल मेल गैमेट्स इज एस्टीमेट डेट इज बियरिंग स्टैमेन, मतलब स्टैमेन आपको बता दें तो नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब चैप्टर टू में आपको क्लियरली मेंशन्ड है, बस अभी इतना ही याद रखिए। यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर प्लांट को क्या बोलते हैं, स्टैमेट होता है, मतलब उसके पास स्टैमेन होता है, स्टैमेन एक फ्लावर का पार्ट होता है स्टैमेन, और फीमेल पिस्टिलेट होता है, यानी वो पिस्टिल रखता है, पिस्टिल उसके पास होता है, पिस्टिल एक फीमेल पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। इन बाइसेक्सुअल मीन, बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल को ही हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट, एच ई आर एम ए पी एच आर ओ डी आई टी ई, बाइसेक्सुअल को हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। और देखिए आगे बढ़ते हैं, गैमेट्स आर हैप्लॉइड बट प्लांट पेरेंट मे और मे नॉट हैप्लॉइड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, गैमेट्स हैप्लॉइड हो सकता है लेकिन गैमेट हैप्लॉइड होता है लेकिन पेरेंट जो है वो हैप्लॉइड भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म डेट इज मोनेरा फंगी एल्गी एंड ब्रायोफाइट आई टी सी, ये हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है
और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में देखिए टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ह्यूमन ईटीसी, ये आता है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में। उसके बाद क्या है, मियोसिस। मियोसिस के बारे में मियोसिस क्या है, मियोसिस इज द रिडक्शन डिवीजन। मियोसिस होता है, इसमें मान लीजिए ये 2n है, 2n 2n आपको 10th में पढ़े होंगे या 11th में आप लोग पढ़ के आएंगे, ये सेल 2n है। तो अगर मियोसिस हो गया यहाँ पे, ये मियोसिस होगा, मान लीजिए ये मियोसिस लिखा हुआ है, मियोसिस होगा तो ये n हो जाएगा, n क्या होगा, मियोसिस इज द रिडक्शन डिवीजन हैज़ टू अकर इफ ए डिप्लॉयड बॉडी टू प्रोड्यूस हैप्लॉयड गैमेट, मतलब रिडक्शन, डिप्लॉयड माने दो मतलब 2n और हैप्लॉयड माने n, गैमेट बनाता है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, इसके बाद अपन बुक में आते हैं। बुक में थोड़ा सा एक लाइन टिक वर्क टिक करवाना है, उसको टिक कर लीजिएगा आप भी अपने बुक में, या फिर मेरे वीडियो से पढ़ रहे हैं तो मेरे वीडियो को ही अभी रेगुलरली अभी पढ़िए, ठीक है। देखिए बुक में आइए पेज नंबर 11 में, ये पेज नंबर 11 में इसमें क्या है, देखिए इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड मियोसाइट सेल, मियोसाइट सेल है आपको मिलेगा सेकेंड चैप्टर में, गैमेट गैमेट मदर सेल अंडरगो मियोसिस एट द एंड, मियोसिस एट द एंड ऑफ मियोसिस ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोजोम्स, गैमेट्स में ओनली एक ही सेट जाएगा। मान लीजिए ये डिप्लॉयड है, मतलब 2n है, 2n डिप्लॉयड, अगर इसका गैमेट, ये ऑर्गेनिज्म है, इसके गैमेट अगर बनाइएगा दो ठो गैमेट, तो इसका एक ही पार्ट जाएगा, एक ही पार्ट इसमें जाएगा, ओके, यानी एन एन जाएगा, ठीक है। एक बार और पढ़ लेते हैं, इंडिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज सेल कॉल्ड मियोसाइट सेल या गैमेट मदर सेल अंडरगो मियोसिस एट द एंड ऑफ मियोसिस वन सेट ऑफ क्रोमोजोम्स गेट्स इनकॉर्पोरेट इंटू ईच गैमेट्स। यहाँ तक ये लाइन टिक कर लीजिए, पेज नंबर, ये पेज नंबर 13 है, वो पेज नंबर 11 था, ओके। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद ये पेज नंबर 12 है, पेज नंबर 12 एक बार देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए ये है केंचुआ, केंचुआ मतलब अर्थवर्म, ये अर्थवर्म है, अर्थवर्म है, देखिए ये होता है, ये बाइसेक्सुअल होता है, अर्थवर्म जो होता है बाइसेक्सुअल होता है। देखिए यहाँ पर टेस्टिस और ओवरी दिखा रहा है, टेस्टिस जो होता है मेल पार्ट होता है और ओवरी होता है ये फीमेल पार्ट होता है, तो ये बाइसेक्सुअल होता है। उसके बाद ये कॉकरोच है, कॉकरोच मेल कॉकरोच जो होता है वो यूनिसेक्सुअल मतलब होता है, मतलब वो अलग अलग होता है। ये देखिए यहाँ पर ये दो टो निकला हुआ है, ये मेल है और ये यहाँ पर ये इसमें दो निकला हुआ नहीं है, या ये फीमेल है, ये फीमेल है और ये मेल है। कि ये मेल है और ये फीमेल है, आपको बता दें। और उसके बाद ये बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, ए में आपको दिखाए थे वो अर्थवर्म वाला, ये ए में अर्थवर्म वाला, और सेकंड में कॉकरोच एनिमल, आप एक बार देख लीजिए, यूनिसेक्सुअल लिखा हुआ है यहाँ पे, यूनिसेक्सुअल, और ये जो है सी नंबर, ये कारा का प्लांट है, ये फीमेल पार्ट और मेल पार्ट, मतलब ये भी बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल यानी मोनोसियस, मोनो
यस मोनोसियस है, ये मोनोसियस है, बाइसेक्सुअल प्लांट है। इसका नाम है कारा, कारा या इसको बोलते हैं चारा, कुछ भी बोल दीजिए चलेगा। और ये डी नंबर में है, ये ब्रायोफाइलम है शायद, क्या है मार्केंसिया है कि, यहाँ पे मार्केंसिया लिखा हुआ है, मार्केंसिया डायोसियस प्लांट है मार्केंसिया। और ई नंबर में है, ई नंबर, ये ई नंबर है, ई नंबर है बाइसेक्सुअल स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो का फ्लावर है। एक बार आप लोग बुक से खुद देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपन आते हैं इस पे, पेज नंबर 13 में, पेज नंबर यहाँ पर 13 लिखा हुआ है, इस पे आते हैं। देखिए ये याद कर लीजिएगा, ये अपन भर दिया है, एक बार स्लो मोशन में आप इसको ले जा रहे हैं, देख लीजिए एक बार, ये पूरा आ गया। ह्यूमन बींग में 86 मिलता है, जिसका हैप्लॉयड अगर निकालिएगा, देखिए 2n और n, मियोसाइट सेल और n में। इसके बाद अपने आते, अपने नोट्स पे आते हैं, एक बार इसको देख लीजिएगा, रुक कर एक बार देख लीजिएगा, ओके। इसके बाद यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस खत्म हुआ, उसके बाद आते हैं गैमेट ट्रांसफर पे। जनरली मेल गैमेट्स आर मोटाइल, आपको पहले भी बताए थे, मेल गैमेट होता ही है मोटाइल, मोटाइल मतलब ये तीर तीर मारने वाला, चलने वाला, मोटाइल मतलब चलने वाला, मोटाइल मतलब चलने वाला। विच वाइल, जबकि वाइल मतलब जबकि फीमेल इज स्टेशनरी एक्सेप्ट फ्यू फंगी एंड एल्गी, यार बोथ इज मोटाइल। जहाँ पे एल्गी एंड फंगी में क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों में मोटाइल होता है। इसमें मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे ये लोग वाटर में अपने दोनों गैमेट को रिलीज करते हैं, मेल और फीमेल गैमेट को, ओके। यहाँ पर देखिए, मेल गैमेट इज प्रोड्यूस्ड 1000 times डेट ऑफ फीमेल गैमेट। देखिए दोस्तों, फीमेल गैमेट बहुत सारा प्रोड्यूस होता है, चूँकि मेल गैमेट जो है वो बहुत सारा प्रोड्यूस होता है फीमेल गैमेट की अपेक्षा, चूँकि इसको ये मोटाइल होता है। आप देख सकते हैं, मेल गैमेट इज मोटाइल, मोटाइल मतलब ये जाने में, फीमेल तक पहुंचने में, फीमेल का गैमेट तक पहुंचने में बहुत सा गैमेट, फिर मेल गैमेट, बहुत मेल गैमेट डिस्ट्रॉय हो सकता है, या फिर उसको कीड़ा कीड़ा वगैरह कुछ भी प्रीडेटर जो होता है वो खा सकता है। इसलिए 1000 times मतलब 1000 गुना फीमेल गैमेट की अपेक्षा 1000 गुना मेल गैमेट ज़्यादा उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है। देखिए, मेल गैमेट्स इज प्रोड्यूस्ड मतलब बनता है 1000 times ऑफ डेट ऑफ फीमेल गैमेट। उसके बाद आते हैं सीड प्लांट में, सीड प्लांट में क्या होता है, पोलन ग्रेन जो एंथर में प्रोड्यूस होता है इज कैरियर ऑफ मेल गैमेट, ये मेल गैमेट का कैरियर होता है सीड प्लांट में। एंड ओव्यूल है, ओव्यूल हैव एग, और ओव्यूल के पास एग होता है, एग यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ओके। मेल मेल जो एंथर होता है, एंथर में प्रोड्यूस होता है, गोज टू द स्टिग्मा, स्टिग्मा पर जाता है जहाँ पर एग रहता है और जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, स्टिग्मा पर जाता है और फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद आते हैं बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट, डेट इज पी, पी में जो होता है बाइसेक्सुअल होता है, मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही प्लांट में होते हैं पी में। तो ये जो होता है ये यूनिसेक्सुअल की अपेक्षा ये काफ़ी इजी होता है, चूँकि एक ही प्लांट में ये रहा मेल, मेन क्या बोलते हैं इसको, ये एक प्लांट रहा, इसमें ये मेल पार्ट हुआ और ये फीमेल पार्ट हुआ, चूँकि एक ही प्लांट में है तो यहाँ पे यहाँ से जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में काफ़ी इजी रहेगा। और ये रहा एक दूसरा प्लांट, दो प्लांट है जिसमें डायोसियस, डायोसियस है, यहाँ डी मतलब डायोसियस और एम मतलब मोनोसियस मतलब बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल, ये अलग अलग प्लांट है। इसका फूल है ये और इसका फूल है ये मान लीजिए मेल है और ये मान लीजिए फीमेल है। यहाँ से यहाँ जाने में आपको ज़्यादा कुछ तामझाम की ज़रूरत पड़ेगा, यानी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा हो जाएगा इसके अपेक्षा, तो इसीलिए ये इजी होता है।
यूनिसेक्सुअल की अपेक्षा बाइसेक्सुअल इजी होता है। देखिए यहाँ पे इन यूनिसेक्सुअल सॉरी इन डायोसियस स्पेशल मैकेनिज्म होता है जिसको पोलिनेशन कहते हैं। डेट इज प्रोसेस टू फर्टी फैसिलेट प्रोसेस टू फैसिलेट पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा। स्टिग्मा यहाँ से स्टिग्मा से सॉरी पोलन ग्रेन जो होता है मेल पार्ट से स्टिग्मा तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा। इसमें पोलिनेशन एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है। उसके बाद ये हमारा यहाँ पर ख़त्म हुआ क्या प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब फर्टिलाइजेशन इवेंट पे आते हैं। आपको तीन इवेंट बताए थे, पहला इवेंट था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, सेकंड फर्टिलाइजेशन और थर्ड होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ओके अपन यहाँ से शुरू करते हैं। जो मेन होता है क्या होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट और ये मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट जब दोनों फ्यूज होगा यहाँ पे बड़ा वाला इसको जाइगोट कहते हैं। ये दोनों फ्यूज होकर क्या बनाएगा जाइगोट, ये सिंगल सेल होता है सिंगल सेल होता है याद रखिएगा। देखिए फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, इसी को फर्टिलाइजेशन को ही सिनगैमी बोलते हैं। देखिए इज कॉल्ड सिनगैमी फर्टिलाइजेशन इज सेम, मतलब सिनगैमी क्यों फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब आपको प्रीवियस में पढ़ा दिए थे पार्थेनोजेनेसिस, यहाँ पे पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप प्रीवियस वीडियो को जाकर देखिए, वहाँ पर पार्थेनोजेनेसिस मिल जाएगा। इसमें हनीबी का एक एग्जांपल दिए थे दोस्तों। पार्थेनोजेनेसिस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक बार जाकर वीडियो में देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और पार्थेनोजेनेसिस का एग्जांपल आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, रोटी फर्स एंड इवन लिजार्ड में भी होता है, सब कुछ लिजार्ड में और टर्की में होता है, रोटी फर में होता है और हनीबी। ये एग्जाम्पल्स है इसका पार्थेनोजेनेसिस का, प्रीवियस वीडियो में मेरे पार्थेनोजेनेसिस को देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ओके अब देखिए इन एक्वेटिक लाइक फिश एंड एम्फीबियंस सिनगैमी जो बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, सिनगैमी को ही फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, अकर्स इन एक्सटर्नल मीडियम। मतलब जो फिश होते हैं वो पानी में अपने स्पर्म यानी मेल गैमेट को छोड़ते हैं और ओवम को भी पानी में ही छोड़ते हैं, ओवम को पानी में ही छोड़ते हैं यानी फीमेल गैमेट को, मेल एंड फीमेल गैमेट को पानी में ही छोड़ते हैं। इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जिसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, पानी में ही उसका फर्टिलाइजेशन होता है। ओके और टेरेस्ट्रियल प्लांट इन एक्वेटिक मतलब क्या होता है पानी वाला, और टेरेस्ट्रियल मतलब इसका जस्ट अपोजिट, मतलब बोले तो जमीन पर या फिर धरातल पर, लाइक मैमल्स एंड ह्यूमन रेप्टाइल्स बर्ड ब्रायोफाइटा ट्रेडोफाइटा जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म सिनगैमी अकर्स इन बॉडी इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आपको ह्यूमन के बारे में, आप लोग ह्यूमन हैं तो ह्यूमन के बारे में आपको क्लियर मालूम ही होगा, ह्यूमन इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमन में। ओके उसके बाद यहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी समाप्त, उसके बाद आते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पे, जो कि बुक में एक ही लाइन में लिखा हुआ है, आपको दिखा दे रहे हैं। हाँ तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जो इवेंट होता है, जो घटना होता है, उसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ओके अब आते हैं जाइगोट में, जाइगोट जो कि मेरे नोट्स में ओके यहाँ पे आपको जाइगोट मिलेगा। जाइगोट के बारे में देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉइड जाइगोट इज यूनिवर्सल इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हैं
और जाइगोट फॉर्मेशन होता है वो अद्वितीय है, मतलब इसका बहुत महत्वपूर्ण आएगा क्वेश्चन कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के बारे में कुछ लिखिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखिए, तो उसको लिखेंगे जाइगोट फॉर्मेशन इज यूनिवर्सल, मतलब होना ही होना है जाइगोट फॉर्मेशन। ओके, फर्टिलाइजेशन दो प्रकार का होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर जाइगोट इंटरनल बनेगा तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल बनेगा तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जाइगोट इज वेहिकल लिंक, जो लिंक बनाता है डेट इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसिस बिटवीन ऑर्गेनिज्म वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के बीच में लिंक स्थापित करता है जाइगोट। लाइफ बिगिन एज ए सिंगल सेल्ड द जाइगोट, जाइगोट जो होता है वो सिंगल सेल्ड होता है, यहीं से लाइफ बिगिन स्टार्ट होता है, ये सिंगल सेल्ड होता है, सिंगल सेल्ड याद रखिएगा। उसके बाद द जाइगोट खत्म हुआ, उसके बाद आते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस पे, जो कि आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन के रूप में आपको पहले भी दे चुके हैं एम्ब्रायो के बारे में। एम्ब्रायोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रायोजेनेसिस। जाइगोट के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पे जाइगोट है, सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है, सेल डिफरेंशिएशन होता है और एम्ब्रायो बनाता है। ओके दोस्तों, एक थोड़ा सा टर्मोलॉजी है ओविपेरस, ओविपेरस को बोलते हैं अंडा देने वाला, जिसको एग लिंग बोलते हैं, जैसे हेन यानी मुर्गी, विविपेरस बच्चा देने वाला, जैसे ह्यूमन, ये टर्मोलॉजी याद कर लीजिएगा, आगे भी काम आएगा और अभी भी। उसके बाद एग इज कवर्ड बाय कल्केरियस सेल, ये प्रोटेक्ट करता है एग को, एग जो होता है एक्सटर्नल होता है इसलिए एग को प्रोटेक्ट करता है ये कल्केरियस सेल। अब आगे बढ़ते हैं, इन फ्लावरिंग प्लांट जाइगोट इज द फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर जाइगोट।